मैं अव्यक्त वतन में अपने आकारी फरिश्ता रूप में बाप दादा के सन्मुख हूं। स्नेह के सागर बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए मुझे विशेष शक्तियों की खुराक खिलाकर मेरी रूहानी पालना कर रहे हैं। मुझ में सर्व शक्तियों का विशेष बल भरकर मेरी खातिरी कर रहे हैं। जन्मदाता परमात्मा पिता शिव और ब्रह्मा मां की पालना द्वारा मैं शक्तिशाली बन रहा हूं। परमात्मा प्रेम और परमात्मा पालना की अनुभूति कर रहा हूं। बाप दादा से रूहानी ममता स्नेह और शक्तियों की विशेष पालना प्राप्त करके मैं अब उठ चलता हूं परमधाम। मैं दिव्य ज्योति आत्मा यहां परमधाम में परम ज्योति शुबाबा के सन्मुख हूं। बाबा से निकली हुई सर्व गुणों और शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। मैं सर्वगुण संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता हूं। सर्वशक्तिवान बाप के साथ परमधाम में स्थित मुझ आत्मा को अब भक्तों की आवाज सुनाई दे रही है कि हे पालनहार हमारे दुख हर लो, हमें गुण शक्तियां दो। मैं आत्मा अब बाबा मम्मा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर मास्टर पालनहार बन कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते को माता पिता के समान सुख शांति और सर्व शक्तियों की सकाश दे रहा हूं।
सर्व धर्म की आत्माओं की पालना कर रहा हूं। अब माता पिता की आज्ञा लेकर मैं लौट चलता हूं साकार वतन। अब साकार में रहते मैं ब्राह्मण आत्मा सदैव अनुभव करता हूं कि मैं परमात्मा पालना में पल रहा हूं। परमात्मा छत्र छाया के नीचे मैं स्वयं को सदा सेफ महसूस करता हूं। इस ब्राह्मण जीवन में अब न कल की चिंता न काल का फिक्र। हर पल बाप दादा के स्नेह और शक्ति की विशेष पालना का अनुभव। दिल से बस एक बार मेरा बाबा कहकर मैं रिटर्न में बाप दादा से पदम गुना रूहानी प्यार पाता हूं। बाप दादा का यह रूहानी प्यार और अपनापन मेरे लिए आशीर्वाद बन जाता है। मुझे समर्थ बना देता है। परमात्मा पालना का अधिकारी मैं श्रेष्ठ आत्मा अब मास्टर स्नेह स्वरूप बन सबको रूहानी स्नेह दे रहा हूं। हर आत्मा प्रति सदा स्नेह की दृष्टि स्नेह की वृत्ति स्नेहमय कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बना रहा हूं। संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ प्यार देकर सच्चे रूहानी पालना का अनुभव कराता हूं।
अपनी प्यार भरी दृष्टि और मीठे बोल द्वारा सबको प्यार और शांति की अनुभूति कराता हूं। अपना महादानी वरदानी रूप इमर्ज कर अब मैं शक्तिशाली दृष्टि और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सभी को वरदानों की प्राप्ति करा रहा हूं। मैं जगत माता बन संपर्क में आने वाली आत्माओं में ऐसी शक्ति भरता हूं जो वे स्वयं को शक्ति संपन्न, विघ्न विनाशक और हेल्दी वेल्दी अनुभव करती है। मैं मास्टर पालनहार आत्मा अब शक्ति स्वरूप बन संबंध संपर्क में आने वाली कमजोर आत्माओं को विशेष सकाश देकर उनकी पालना कर रहा हूं। उनके पुराने संस्कारों को परिवर्तन कर रहा हूं। स्वयं को निमित्त समझ उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ा रहा हूं। मैं ब्राह्मण आत्मा जिनके भी निमित्त बनता हूं उन्हें प्रेम और पालना देकर आगे बढ़ाते हुए अविनाशी वर्षे का अधिकारी बना देता हूं। शांति।